हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो अभी बहुत टाइम हो गया है, 12 बज गए हैं और काम सब फिनिश हो गया है मेरा मॉर्निंग का। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा काम हुआ है आज। और मैं देख रही थी ना, कल परसों जो करवा चौथ वाला ब्लॉग गया है ना मेरा, तो उसको भी एडिट करने में कल मुझे इतना टाइम लग गया था, काफ़ी टाइम हो गया था। और मतलब वो तब तक मैंने एडिट ही नहीं की थी। मैंने कहा है राम, बताइए, सबके ब्लॉग आ चुके हैं, सबके वीडियो आ चुके हैं, बस मेरा एक वीडियो नहीं गया है। तो पता नहीं क्यों, एक तो नेट इतना स्लो चल रहा है यहाँ नीचे। मैंने पहले एक वाले में, जैसे दो सिम होते हैं, तो पहले एक में डलाया नेट तो उसका भी नहीं चल रहा, दूसरे में डलाया नेट इसका भी नहीं चल रहा। तो शायद नीचे वाले जो ग्राउंड फ्लोर में जो होते हैं वहाँ शायद नेट की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ भी नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ। तो शाम कल तो फिर मैंने तो खाना खाने के बाद मैंने सोचा, आज तो मैंने अब सारा काम करके एक बार मैंने यही लग जाना है एडिट करने में, वीडियो एडिट करने में लग गई थी मैं। तो शाम फिर वो एडिट हो गई थी, 5-6 बजे तक एडिट, 6 बजे तक एडिट हो गई थी मेरी वीडियो, अपलोड कर ली थी मैंने, अपलोड के लिए लगा ली थी। लेकिन वो अपलोड होते होते उसने पूरी रात ही खींच दी, तो इतना स्लो मेरा नेट चल रहा है। और आज तो मुझे, आज भी हुआ सुबह वीडियो बनाने का तो मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा है। आज भी ये हुआ कि इतना सारा काम हुआ, एक तो मैंने सब जगह झाड़ू पोछा, तो आप लोग देखते हो जो हैबिट है तो है, सभी की होती है, सभी करते हैं, एक बार वो किया। फिर उसके बाद मैंने बेड शीट वगैरह बदली, तीनों बेड की, यहाँ दो बाहर हो गए इस वाले रूम में और एक बेड अंदर हो गया हम लोगों का। तो इन सब की बेड शीट मैंने आज चेंज की हैं, तो वो धुली। और इनकी बच्चों की दादी मेरी सास जी हैं जो उनको नहलाया, फिर उनके कपड़े धोए, फिर बच्चे थे तो अभी अपने और बच्चों के कपड़े मैंने, फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, नाश्ता था, फिर मैंने सोचा मैं तो शाम को फिर दोबारा से मशीन चलाऊंगी और तब जाके धोऊंगी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, थक भी गई थी मैं, नाश्ता था तो बहुत सारे काम करने थे। बल्कि अभी मैंने कपड़े बस सुखा के रखे हैं, मशीन में ही हैं वो कपड़े, ऊपर भी नहीं डाले हैं। तो अब मैं उन कपड़ों को छत पे लेके जाऊंगी, मुझे इतना भी टाइम नहीं लगा कि मैं इनको बाहर डाल दूँ। फिर मैंने बच्चे अभी जा रहे थे, वैसे बच्चों को दे देती हूँ मैं सुखाए हुए कपड़े के ऊपर डाल दूँ धूप में, धूप लगाने के लिए। वैसे मैंने सोचा मुझे भी जाना ही, आजकल ठंडा हो रहा है ना, तो मैं पहले मैं जाऊँगी छत पे कपड़े लेके, और उसके बाद बाकी के काम करूँगी मैं जो भी होगा। तो फ्रेंड्स, आज इतने सारे कपड़े धोए हैं मैंने, देख लीजिए आप। थकान इतनी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। सारी बेडशीट वगैरह धोई है मैंने सब जगहों की। दिन पूरे नहीं पड़ रहे हैं, काम करते करते हैं हम लोगों के लिए।
हेलो फ्रेंड्स, तो अभी आ गई हूँ मैं छत पे। देख लीजिए कितने सारे कपड़े धुले हैं आज मैंने, सारी बेडशीट वगैरह चेंज की है। तो दो तो मैंने कप के दिए थे, लेकिन मैं इनको अभी लेके आई हूँ छत पे। नीचे ही इतना सारा काम हो रहा था, तो 12 बजने बजने तक मेरे भी 12 बज चुके हैं काम कर करके। तो या तो फिर दिन छोटे हो रहे हैं इस वजह से दिन पूरे नहीं हो रहे, या फिर मैं ही लेट काम शुरू करती हूँ तो इस वजह से मेरा काम बढ़ता ही जाता है। तो इस समय 12 बजने तक सारा काम करके और ये कपड़े धो के आ गई हूँ मैं। तो अभी दिन का खाना है मेरा, वैसे हम लोगों ने अभी नाश्ता किया है, लेकिन इनके पापा तो जा रखे हैं स्कूल बच्चों के, और वो तो बेचारे सुबह कुछ खा के जाते नहीं हैं, बस चाय पियेंगे और एक रोटी खा के जाते हैं उतनी सुबह। तो इस वजह से अभी दिन का खाना बनेगा मेरा, और पता नहीं लोगों के काम कैसे इतनी जल्दी हो जाते हैं, और लोग फटाफट अपना काम करके अपने मतलब फ्री भी हो जाते हैं, और मेरा दिन पता नहीं क्या ऐसा होता है कि मेरा काम ही ख़त्म नहीं होता है। तो आप देखिए कितनी अच्छी धूप लगी है, और नीचे बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगा है फ्रेंड। तो देखिए मैंने गर्म सूट पहना हुआ है, तो हमारे उत्तराखंड में ठंड बढ़ गई है इस वजह से, उत्तराखंड ऋषिकेश में ठंड बढ़ गई है। तो मन कर रहा है स्वेटर पहनो, तो स्वेटर पहनने से अच्छा है ना तो गर्म सूट पहन लो। तो इस वजह से मैंने ये गर्म सूट पहना हुआ है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको पहन के, ठंडा नहीं लग रहा है। नीचे की साइड में वैसे थोड़ा ठंड हो ही जाती है। तो देखिए आप कितनी सुहानी धूप लगी हुई है और कितना सुंदर मौसम लग रहा है। थोड़ी देर में यहीं रहूँगी छत पे ही, और उसके बाद जाऊँगी मैं नीचे खाना बनाने के लिए, और फिर मैं आप लोगों के साथ उस समय मिलूँगी। तो थोड़ा आप लोग भी देख लीजिए, कई फ्रेंड मेरे ऐसे हैं, मेरे सब्सक्राइबर एक है कानपुर उत्तर प्रदेश की है शिखा त्रिपाठी, तो वो मुझे बोलती हैं, तो वो मुझे देख रही होंगी क्योंकि वो रोज़ मेरी वीडियो देखती हैं। तो वो मुझे बोलती हैं कि मुझे उनको उत्तराखंड बहुत ज़्यादा पसंद है, उत्तराखंड में ऋषिकेश देहरादून हरिद्वार तो बहुत ज़्यादा पसंद है उनको, और वो मेरी वीडियो डेली देखती हैं, तो उनके लिए स्पेशल थैंक यू। तो थोड़ा उनको दिखा देते हैं कैसा लग रहा है आज उत्तराखंड में मौसम दिन में। आप देखिए ये है मेरी, ये वो साड़ी जो करवा चौथ में पहनी थी वो वाली साड़ी है ये, और पता उस दिन से मैंने इसको फोल्ड ही नहीं किया है, उस दिन से ये वैसे की वैसी रह गई थी। और तो उस दिन से ये साड़ी मैंने फोल्ड नहीं की थी, तो उस दिन से ये वैसी की वैसी थी। सामान में देखिए चूड़ियाँ वगैरह सब वैसी पड़ी है मेरी। तो खाना मेरा बन चुका है, चावल बन रहे हैं, साग बन गया है, और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये भी हैं। तो मैंने आज सारी बेडशीट वगैरह धुली थी, तो तकियों के कवर वैसे रह गए थे चढ़ाने को, तो वो ये काम कर रहे हैं तकियों के कवर चढ़ाने का। लाइट नहीं है इसलिए आज टीवी नहीं है ऑन, और हाँ तो अब मैं आपको बताती हूँ आज इन्होंने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। तो वो बहुत बड़ा गिफ्ट है, और आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है ये मेरा गिफ्ट है ना। बता दो जो आपने मुझे दिया है, आप बता दो क्या गिफ्ट दिया है आपने मुझे। डायमंड ज्वेलरी और क्या है? तो इन्होंने मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं दिया है, क्योंकि ये वैसे बोलते हैं मुझे हर बार ना, पहले तो ये मेरे लिए गिफ्ट लाते थे, ऐसी बात नहीं है, पहले हमेशा मेरे लिए गिफ्ट लाते थे, लेकिन अब ये क्या होता है ना, बोलते हैं मैं तेले मतलब कि क्या लाना है तेले, मैं ही मना कर देती हूँ, क्योंकि वो लाएंगे क्या, वो अपने पसंद के कपड़े भी आएंगे मेरे लिए, या तो वो सूट ले आएंगे या तो वो साड़ी ले आएंगे, है ना। इससे बड़ा गिफ्ट तो गोल्ड का और डायमंड का तो होगा नहीं, है ना।
या तो गोल्ड डायमंड लाओ तो वो तो आदमी कैसा भी पहन ले, लेकिन कपड़े ये होते हैं कि साड़ी सूट ये कि अपनी पसंद की अच्छी लगती है, इसलिए मैं इनको मना कर देती हूँ। मैं बोलती हूँ कि नहीं मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट, मुझे पैसे दे देना भाई, लेकिन मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं अपनी पसंद का खुद ले आऊँगी। तो इस वजह से मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं मिला है। और देखिए आज लाइट नहीं है फ्रेंड्स, कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, तो इसलिए वीडियो ढंग की नहीं बनी है। तो गिफ्ट के लिए व्रत नहीं लेते हैं, व्रत बस ये जरूरी नहीं है कि व्रत लिया है तो गिफ्ट ही दे, है कि नहीं। सही बात, तो सही गिफ्ट बात, देने से व्रत नहीं होता, हम लोग गिफ्ट के लिए थोड़े ना व्रत करते हैं। तो इस वजह से मैंने इनसे गिफ्ट इनके लिए ही मैंने ही मना कर दिया था, इस वजह से इन्होंने मुझे गिफ्ट नहीं दिया है। तो कब देंगे गिफ्ट ये बता दो आप। नमस्कार, इसको गिफ्ट मिलेगा एनिवर्सरी पे, शादी के एनिवर्सरी पे इसको गिफ्ट बर्थडे मिलेगा। है मेरा 20। और हाँ, पहले इससे पहले इसका बर्थडे है, तो देखते हैं फिर जैसे ही इसे कहीं वैसे करेंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। गिफ्ट बहुत सारे हैं और सबसे बड़ा गिफ्ट तो नहीं उसके लिए, इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है ना। सही बात है। तो प्यार बना रहे, वैवाहिक जीवन आपका सभी का सही चलता रहे, वह वही गिफ्ट होता है लाइफ में, है कि नहीं है। तो यही है बस, और क्या है, देंगे इसको भी गिफ्ट देंगे, कभी ना कभी टाइम मिलेगा, कभी ना कभी मौका जरूर मिलेगा इसको गिफ्ट, और आप लोगों को जरूर दिखाएंगे, आप सब शेयर करेंगे और ये चीज़ें आपको जरूर दिखेगी कि इसको क्या गिफ्ट दिया है। तो आप वेट कीजिए। आप तो सुन लिया होगा आपने, ये जब भी मेरे लिए गिफ्ट लाएंगे, जब भी कुछ वो करेंगे तो आप उनके साथ जरूर शेयर करेंगे, इन्होंने कहा है। तो बस कुछ नहीं, अब हम लोग खाना खाते हैं, खाना बन चुका है। और ये देखिए मेरी उस दिन की चूड़ियाँ वगैरह ये सब ऐसे पड़ी हुई है इसमें, तो मुझे इन्हें रखने का टाइम भी नहीं मिला है, काम इतना हो रहा है ना, इतनी बिजी हूँ मैं, बताइए इतनी बिजी लाइफ है किसी की जैसे मेरी है। और ये है मेरी वो इयरिंग, देखिए जो मैंने परसों पहनते थे करवा चौथ पे, तो बहुत पसंद है ये मुझे, कुछ इस तरह की है ये लटकने वाली। तो अब मैं इनको थोड़ा रख दूंगी, साड़ी भी वैसी पड़ी हुई है, तो कपड़े रख दूंगी मैं, खाना बन चुका है तो खाना ठंडा हो रहा है, उसके बाद हम खाना खाते हैं, फिर आप लोगों से बात होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगती रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और जो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है।